पूरा देश कोविड का डंस झेल रहा है। किसी को ऑक्सीजन की मार पड़ रही है तो किसी को अस्पताल में बेड नसीब नहीं हो रहा। लेकिन जो तस्वीर मध्य प्रदेश के रीवा से सामने आई है वो संग कर देने वाली है। बीएसएफ का जवान जो कभी देश की सुरक्षा में अलर्ट खड़ा रहता था, लेकिन रुसवाई देखी आज अपनी कोरोना पॉजिटिव पत्नी को बचाने के लिए कोरोना से जंग लड़ रहा है। ये सर हम देश के लिए बचते हैं, चार दिन की छुट्टी में आए अचानक। सुनिए सर, ये जो कोरोना वैक्सीन है ना, मेरे पापा मेरे को वैक्सीन सब लगा, मेरी रिपोर्ट ठीक है सर। मेरी फैमिली को ऐसी स्थिति है, बताइए कहाँ पदस्थ हैं आप जी? कहाँ पदस्थ हैं आप? मैं पूरा तीन बटालियन भी ऐसे अपने। एमपी में कोरोना मरीजों के लिए बेड की दिक्कत अभी बरकरार है। अस्पतालों के बाहर बेड के लिए मरीज तड़प रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। एक बीएसएफ जवान कार में अपनी पत्नी को लेकर भटक रहा है। पत्नी कोरोना से संक्रमित है मगर इलाज के लिए बेड नहीं मिल रहा। मीडिया कर्मियों को देख जवान ने रोते हुए अपनी पीड़ा व्यक्त की है। आप ले गए थे अभी हॉस्पिटल में, आपने दिखाया, डॉक्टर से बात की आपने? मैं ले गया था दिल्ली हॉस्पिटल में भी, तो मना कर दिया, बोले मेरे पास ऑक्सीजन का सुविधा नहीं, अपने फैमिली को ले जाए। यही बोलते हैं सर, यहाँ भी यहाँ आपने बात की डॉक्टर से? बात की आपने यहाँ पे? यहाँ पे अभी लेके आया, कोई सुनता नहीं है। यहाँ पे आया सर अभी, मेरे को कोई बोलता उस गेट पे जाओ, उस गेट पे मेरे को कोई बता ही नहीं रहा सर। जवान का कहना है कि मैं पिछले 8 घंटे से अपनी पत्नी को कार में लेकर भटक रहा हूं। हर अस्पताल के लोग एक दूसरे अस्पताल में भेज रहे हैं, कोई ये बताने को तैयार नहीं है कि मैं पत्नी को कहां भर्ती कराऊं। जवान हर आने जाने वाले लोगों से मदद की गुहार लगा रहा था। वो तो भला हो मीडिया कर्मियों का कि जिसकी दखल के बाद जवान की पत्नी को रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोई पूछ ही नहीं रहा सर, बताइए किस रोड में। कौन है कोरोना पेशेंट आपके पास? मेरी वाइफ है सर, बताइए मैं देश के लिए मर रहा हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रहने वाला सीधी जिला में हूँ, लेकिन मेरा मकान यही बना। बीएसएफ जवान की तैनाती त्रिपुरा में है। वो 4 दिन पहले ही घर पर छुट्टी लेकर आया था। जवान को वैक्सीन लग चुकी है, वहीं घर आने पर पत्नी बीमार हुई। उसका टेस्ट कराया तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मंगलवार की सुबह से वो पत्नी को भर्ती कराने के लिए अस्पतालों का चक्कर काट रहा है, मगर कोई मदद नहीं मिल रही थी। पत्नी को गाड़ी में लेटाकर वो हर अस्पताल के दरवाजे पर जा रहा था। कब से भटक रहे हैं आप? मैं सर सुबह 6 बजे से मैं फैमिली को लेकर पिछले हॉस्पिटल से आया, जांच करवाया सर, उसके बाद से कभी इधर उधर घूम रहा हूँ, इस गेट से उस गेट में। मेरा प्राइवेट हॉस्पिटल में हो पा रहा है, कोरोना संक्रमित पत्नी को लेकर जवान काफी लाचार नजर आ रहा था। वो कैमरा देखकर रोने लगा। रोते हुए उसने कहा कि बीमार पत्नी को लेकर भटक रहा हूँ, कहाँ इलाज कराऊँ, मैं देश के लिए मरता हूँ। गौरतलब है कि संक्रमण की रफ्तार बढ़ने की वजह से एमपी के ज्यादातर शहरों में यही स्थिति है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।